लंबे समय से देश के लाखों कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमें पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। उनकी मांग नहीं सुनी गई। उन्होंने रामलीला के मैदान में आंदोलन किया, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था, लखनऊ में किया, अलग अलग राज्यों की राजधानी में किया, जिलों में किया, बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए। और जब चार राज्यों का चुनाव अभी आने वाला है तो उसके ठीक पहले भारत की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, यूपीएस लेके आई है, कह रही है कि ये बिल्कुल क्रांतिकारी कदम है और जैसे पुराने पेंशन की स्कीम थी वही स्कीम है ये। लेकिन इस यूपीएस की हकीकत आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। पहली बात यह, यूपीएस का जो पेंशन जो स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन स्कीम जो है, एकीकृत पेंशन योजना, ये भारी संख्या में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को पेंशन स्कीम से वंचित करेगी। नंबर एक, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को पेंशन स्कीम से यूपीएस योजना वंचित करेगी। नंबर एक। नंबर दो, देश में लाखों की संख्या में काम करने वाले अर्धसैनिक बल, जो अपना जान जोखिम में डालकर भारत माता की रक्षा करते हैं, भारत के संसद की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देते हैं, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, अर्धसैनिक बल के लोग इस पेंशन योजना से वंचित रह जाएंगे, पेंशन पाने से वंचित रह जाएंगे। नंबर तीन, ये योजना कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। ये योजना, मूल बात जो इसकी है कि कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। इसमें सरकार कोई एहसान नहीं कर रही कर्मचारी के ऊपर, याद रखिएगा, कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना। अब मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, सरकारी नौकरियों में एससी एसटी ओबीसी को उम्र की छूट होती है, यानी कि 40 साल तक एससी एसटी वर्ग के लोग सरकारी नौकरी पा सकते हैं और 38 साल तक पिछड़ा वर्ग के लोग, जिसमें हिंदू पिछड़ा वर्ग भी शामिल है, मुस्लिम पिछड़ा वर्ग भी शामिल है, ओबीसी के लोगों को 38 वर्ष तक नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी। अब सपोज कीजिए कि किसी को 36 साल में नौकरी मिली और वो दलित और आदिवासी है, किसी को 36 साल में नौकरी मिली और वो ओबीसी है, तो इसका, इसके, इस पेंशन योजना के बारे में क्या लिखा हुआ है कि 25 साल की नौकरी पूरा करना आवश्यक है तब आपको पेंशन मिलेगी। तो सरकार जो नौकरियों में दलित, आदिवासी और पिछड़ों को छूट देती है, वो पेंशन योजना में उनके लिए बेकार हो गई, क्योंकि अगर वो 36 साल में नौकरी पाते हैं तो 24 साल नौकरी कर पाएंगे, अगर 37 साल में नौकरी पाते हैं तो 23 साल नौकरी कर पाएंगे, अगर 38 साल में नौकरी पाते हैं तो 22 साल नौकरी कर पाएंगे। तो ये पेंशन स्कीम इस देश के लाखों दलित, पिछड़ा और आदिवासी समुदाय के लोगों को पेंशन की सुविधा से वंचित करेगी, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। नंबर एक। नंबर दो, अर्धसैनिक बलों की बात करें, अधिकतर अर्धसैनिक बल के लोग 20 साल की नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम में, ओपीएस में, उनको पूरी पेंशन मिलती थी, यानी कि जो अंतिम उनकी सैलरी होती थी
मान लीजिए अंतिम सैलरी उन्होंने निकाली 1,00,000 रुपए, तो उनको 50,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलती थी। अब तो आपने कह दिया साहब 25 साल नौकरी करना जरूरी है, तो उनकी तो सर्विस ही 20 साल की है, 20 साल में वो रिटायर हो जाते थे। अब पहली बात तो 25 साल तक नौकरी करें, कर सकते हैं, लेकिन घिस घिस के नौकरी, मतलब कोई करना नहीं चाहता। 20 साल में अधिकांशता पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग रिटायर हो जाते हैं, अब वो पेंशन से वंचित हो जाएंगे। भारी संख्या में जो देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी तक देते हैं, अर्धसैनिक बलों के लोग। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, जो मैंने कहा कि कर्मचारी का पैसा लेकर पेंशन देने की योजना है। पुरानी पेंशन की स्कीम में आपका जो पैसा कटता था, कभी बेटी की शादी करनी हो तो आप जीपीएफ का पैसा निकाल सकते थे, कभी घर मकान बनवाना हो, छोटी सी जमीन का टुकड़ा लेना हो, तो बिना ब्याज के आप अपना पैसा निकाल सकते थे, और जब आप रिटायर होते थे तो आपको पूरा पैसा जो आपका जीपीएफ के नाम पे कटता था वो पैसा आपको मिल जाता था, और उसके साथ साथ अंतिम जो आप सैलरी निकालते थे उसका आधा, बेसिक प्लस डीए का आधा आपको पेंशन मिल जाती थी। इस योजना में क्या किया, अगर आज से आप नौकरी करेंगे और आपकी उम्र 20 साल है तो याद रखिएगा 40 साल तक, अगर 60 साल आपने नौकरी की तक आपके नाम पे तो 25 साल कटौती होगी, और 20 साल नौकरी की तो 20 साल कटौती होगी, लेकिन जिसकी कटौती 25 साल तक होगी उसको तो पेंशन का लाभ मिलेगा, लेकिन जिसकी कटौती 20 साल होगी उसको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यह कौन सी योजना है भाई, आपने एक कर्मचारी का 20 साल तक पैसा काटा, या 24 साल 11 महीने तक आपने पैसा काटा 10%, लेकिन पेंशन योजना से, आपकी यूपीएस की योजना से वो वंचित रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसमें शर्त लगा दी है 25 साल की नौकरी होना आवश्यक है। उससे कम में रहेगा तो आधी पेंशन नहीं मिलेगी, फिर आपको 10,000 रुपए महीने मिलेगा। तो यूपीएस देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। यूपीएस एनपीएस से भी ज्यादा बदतर है, और यूपीएस कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। फिर तो अच्छा है, कोई कर्मचारी अपनी सैलरी से हर महीने 10% निकाल के किसी योजना में जमा कर दे और वो अपने पेंशन के लिए बाद में वैसे ही उसको मिल जाएगी पेंशन। क्या जरूरत है कि आप काटेंगे और आप उसको बाद में देंगे? और दो तीन चीजों की स्पष्टता नहीं है, मैं आपके माध्यम से सरकार से उस पर स्पष्टीकरण चाहूंगा। मान लीजिए ईश्वर न करे कि किसी का आपने 40 साल तक उसकी नौकरी में 10% सैलरी काटी और 62 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई, 2 साल उसने पेंशन योजना का लाभ लिया और उसके बाद उसको उसकी उसकी मृत्यु हो गई, तो आगे जो उसका पैसा जमा है पास उसका क्या होगा? सरकार से पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, उस पर मेरे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है इसका। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि यूपीएस की योजना बंद की जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम, जो इस देश के लाखों कर्मचारियों की मांग है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए। और मैंने पार्लियामेंट में भी बार बार बोला है, फिर दोहरा रहा हूं, कोई 40 दिन सांसद रह जाए, 40 दिन विधायक रह जाए, 40 दिन एमएलसी रह जाए, 40 दिन एमएलए रह जाए, तो उसको पूरी जिंदगी पेंशन मिलती है। कोई कर्मचारी 40 साल अगर कर्मचारी रहता है तो उसको पेंशन नहीं मिलती,
इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है, कर्मचारियों के मांगों के साथ खड़ी है। आज विजय बंधु जी से भी मेरी बात हुई और आगे अगर वो अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे तो हम लोग उनका साथ देंगे। और हमारी मांग अभी भी वही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए जिसमें आप दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को बगैर भेदभाव के पेंशन योजना का लाभ दें, जिसमें आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को बगैर किसी भेदभाव के पेंशन का लाभ दें, जिसमें आप 20 साल की नौकरी करके रिटायरमेंट करने वाले को भी पेंशन का लाभ दें और अंतिम सैलरी का आधा पेंशन दें। क्योंकि आपने यूपीएस में लिखा हुआ है कि 12 महीने की जो अंतिम जो 12 महीने होंगे उस सैलरी का एवरेज निकालकर आप पेंशन देंगे। तो लोग चिंता जता रहे थे कई बार कोई वेतन आयोग आ जाता है, किसी तरीके से अचानक तनख्वाह बढ़ जाती है, तो उसका एवरेज आप निकालेंगे तो उस वो भी एक घाटा और नुकसान उनका होता है। तो पहले जो नियम था ओपीएस का, पुरानी पेंशन का, कि अंतिम सैलरी का जो है आप पैसा निकाल के। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कर्मचारियों में आत्मविश्वास बढ़ाइए, यही सबसे बड़ा आपका एक पहला कर्तव्य भी है। दोस्तों विजय कुमार बंधु को पूरी भारत में ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं है या कर्मचारी का कोई भी ऐसा फैमिली मेंबर नहीं है जो विजय कुमार बंधु को नहीं सुनता हो, जो विजय कुमार बंधु को नहीं जानता हो। दोस्तों मेहनत तो हम सब कर्मचारी कर रहे हैं परंतु सेनापति भी होना जरूरी है और सेनापति इतना अच्छा होना चाहिए जो सभी का विश्वास को जीत कर आगे बढ़ता रहे और अपनी जीत के लिए संघर्ष करता रहे। हम लोकसभा में चुनावों में हमने अपना मुकाम तो पा लिया था परंतु अंतिम मुकाम आते आते हम थोड़ा सा चूक चुके हैं, हारे नहीं है। हम आत्मविश्वास और बढ़ाएंगे, अगर कुछ गलतियां हुई हमारे संगठन में तो फिर हम उठकर लड़ेंगे और उस कमियों को दूर करके हम ओल्ड पेंशन और हमारी बुढ़ापे की लाठी के लड़ेंगे। कि आप कर्मचारी हो तो आज से ही आप कितने स्टूडेंट को, कितने परिवार को और एनपीएस विन कर्मचारी को समझाते हो, ये आप खुद स्वयं कर्मचारी पर निर्भर करता है। दोस्तों ये भी आप सोच के देखिए, तो कर्मचारी मौका देख रहा है और यही सबसे बड़ा हथियार है कि हम हमारी अंगुली पर स्याही लगाकर हमारे अधिकार और हमारा हक ले सकते हैं। ये सभी का ही अधिकार है, संविधान सबके लिए बराबर है परंतु विधायक और सांसदों को ओल्ड पेंशन मिलती है परंतु कर्मचारियों को नहीं, जो दिन रात कर्मचारी पूरी जिंदगी, पूरी जवानी, पूरे भारत देश के जो विकास के लिए लगा देता है उसको ओल्ड पेंशन नहीं है। अभी आप जानते हो कि कर्मचारियों की जो रिटायर हो रहे हैं कर्मचारियों को 1 लाख तनख्वाह उसको 3,000-4,000 रुपए मिल रही है, तो इस महंगाई में एनपीएस पेंशन में क्या कर पाएगा। दोस्तों आप जानते हो कि कर्मचारी अच्छे अच्छे को बदल के रख देता है, चाहे कितना भी समय लग जाए परंतु अपनी मांग पर अड़ा रहेगा और नियम के अनुसार अपने कानून का उपयोग करेगा। तो दोस्तों आप अगर कर्मचारी है, सच्चे ईमानदारी से ओल्ड पेंशन बहाल के लिए सभी कर्मचारियों को विश्वास जगाना चाहते हैं तो आज से ही आपका काम रहेगा कि हर आदमी को ओल्ड पेंशन के बारे में बताइए, हर स्टूडेंट को ओल्ड पेंशन के बारे में बताइए और दूसरा है कि अपनी फैमिली, अपने परिवार, रिश्तेदारों को ये बताए कि अगर आपका बेटा सरकारी खेमे में नौकरी पाता है तो एनपीएस ओल्ड पेंशन में क्या अंतर है, उसके बुढ़ापे के जीवन में क्या अंतर आएगा एनपीएस ओल्ड पेंशन में। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए और आज से आप कर्मचारी का काम कीजिए, ओल्ड पेंशन के लिए मेहनत कीजिए, विजय कुमार बंधु को फॉलो कीजिए। विजय कुमार ऐसा आदमी है जिसने हर आदमी के रग रग में ओल्ड पेंशन का नाम लिख दिया है। तो दोस्तों मैं विजय कुमार बंधु को फॉलो करता हूं और आप भी विजय कुमार बंधु के इशारे पे चले।